पंडित जी, तमाम जानकारियों से मैं आपको रूबरू कराऊंगा कि यहाँ पर लोकसभा के चुनाव नजदीक है और इस मेवात की सरजमी पर यहाँ पर इनका आगमन हुआ, ये क्या संदेश देना चाहते हैं यहाँ के लोगों को? यही कहना चाहूंगी, किसान अपने वोट को सही तरीके से इस्तेमाल करें, क्योंकि सीधा साफ साफ बोलूंगी, जो सत्ता में सरकार बैठी हुई है, इन्होंने अपना वोट पिछली बार उनको दिया था सभी ने, और उन्होंने इनके साथ नाइंसाफी की, इनका मानसिक रूप से भी शोषण किया, इनका जो है शारीरिक रूप से भी शोषण किया, ठीक, इनका आर्थिक रूप से भी शोषण किया। सीधा सीधा बोलूंगी, सभी से निवेदन और अपील करना है, इंडिया गठबंधन को सपोर्ट करें, जो भाजपा को हराएगा ये किसान उसको वोट देगा। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि किसान खतरे में है? क्यों आपको नहीं लगता? इस देश में इतना बड़ा आंदोलन हुआ, 700 किसानों की शहादत हो गई, आपको नहीं लगा? आप नहीं गए दिल्ली देखने? आपने नहीं देखा दिल्ली में 13 महीने की वो बेरुखी, और अभी 6 महीने भी नहीं हुई है, और पंजाब से किसान चले थे आंदोलन फिर से करने के लिए MSP के लिए, जो झूठ बोल करके सरकार ने 2022 के इलेक्शन की वजह से दिल्ली के तमाम बॉर्डरों को खाली करा दिया था, और झूठ बोल करके लोगों को उठाते, तो आपको नहीं लग रहा कि नाइंसाफी हो रही है? आपको नहीं लग रहा बेटियां नंगी घुमाई जा रही हैं मणिपुर जैसे भारतीय जनता पार्टी के शासित क्षेत्र में, राज्य में? आपको नहीं लगता है? आपको नहीं लगता है अग्निवीर से युवा पीड़ित हैं और वो आत्महत्या कर रहे हैं? आपको नहीं लग रहा है? आपको नहीं लग रहा है ओलंपिक में मेडल लाने वाली बेटियों के साथ खींचातानी की जाती है, घसीटा की जाती है, और उसको आप टिकट देकर चुनाव लड़ाते हो, उसको अपने साथ साथ लेकर के घूम रहा है? आपको नहीं? कहना चाहूंगी अपने वोट का सही इस्तेमाल करें, और जो भाजपा को हरा है उसको वोट डालें, इंडिया गठबंधन को सपोर्ट करें।